दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एक बार फिर से चर्चा में है, और वो चर्चा क्या है? जी हाँ, वो चर्चा है बाबरी मस्जिद। पहली बार अपना मुंह खोला है जज साहब ने अयोध्या मंदिर को लेकर, जो बीते कई सालों से नहीं खुला था वो अयोध्या जाकर खुला है, और सफाई भी दे रहे हैं अपने लिए गए फैसले पर, अपने उठते हुए आवाजों पर। दरअसल राम जन्मभूमि का फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला उनका अपना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया था। भारत के पूर्व CJI रंजन गोगोई वाराणसी केदार घाट स्थित श्री करपात्री धाम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, ना ही उसकी कोई भाषा होती है और ना ही उसकी कोई जाति होती है। न्यायमूर्ति का धर्म और भाषा संविधान है। राम जन्मभूमि का फैसला रंजन गोगोई का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला था। 5 जजों ने बैठकर 3-4 महीने हायरिंग के बाद 900 पन्ने का ये जजमेंट लिखा। ये जजमेंट एक ओपिनियन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये धर्म के आधार पर नहीं, कानून और संविधान के आधार पर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति या जज हजारों केस डिसाइड करते हैं, उसका नतीजा एक पार्टी के पक्ष में तो दूसरे पार्टी के विपक्ष में जाता है, उससे जज को कोई लेना देना नहीं होता है। जज ऐसा कुछ भी मन में रखकर अपना काम नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति कायदे कानून को ध्यान में रखकर फैसला सुनाते हैं। संवाद में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवाओं के बल पर ये भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष एवं सनातन धर्म हमेशा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का ऋणी रहेगा। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने 91 किलो की माला से पूर्व मुख्य न्यायाधीश का अभिनंदन भी किया, जोरदार स्वागत भी हुआ। उन्होंने कहा कि रावण के संहार के लिए प्रभु राम का अवतार, कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए प्रभु कृष्ण का अवतार और भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए जस्टिस रंजन गोगोई का अवतार हुआ है। इस तरह की बातें कही गई कि जस्टिस रंजन गोगोई ने अवतार लिया और अयोध्या मंदिर बनवाया। युग युगांतर तक हम सभी लोग जस्टिस रंजन गोगोई के ऋणी रहेंगे। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों कि रंजन गोगोई के लिए गए फैसले पर उस वक्त जबरदस्त तरीके से आरोप लगे थे और लोगों ने कई आर्टिकल भी लिखे थे, जिनमें से एक आर्टिकल मुझे भी याद है। जी हाँ, विक्रम सिंह चौहान ने वो आर्टिकल लिखा था और मैं आपको वो आर्टिकल पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा, CJI रंजन गोगोई अपने पद पर एक मिनट भी बने रहने योग्य नहीं रह गए थे। 3 फैसले साफ बताते हैं कि रंजन गोगोई ने मोदी का गिफ्ट किया, संघ का चड्डी बनियान पहन लिया, सॉरी पैंट और बनियान पहन लिया है। ये शब्द विक्रम सिंह चौहान के दोस्तों। कभी जस्टिस चमलेश्वर की आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट को खतरा बताने वाले, कभी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप पर खुद जज बनकर फैसला सुनाने वाले और खुद को निर्दोष बताने वाले गोगोई अब पूरी तरह से मोदी के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो अप्रत्याशित था, दुर्भाग्यपूर्ण था। जस्टिस गोगोई ने अनुराधा भसीन के कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी, मीनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की कश्मीर में बच्चों को हिरासत पर रखने की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। गोगोई ने कहा था कि उनके पास कश्मीर के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, वो अयोध्या के मामले की सुनवाई करेंगे। इसी के साथ कई याचिकाओं को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया था, जबकि सभी जानते हैं कि कश्मीर में हाई कोर्ट में एक वकील भी नहीं है, वो या तो जेल में है या घरों में कैद है। एक दूसरे फैसले में रंजन गोगोई को मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा की याचिका की सुनवाई से हटा दिए गए। कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में गौतम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गौतम के खिलाफ FIR रद्द करने से मना कर दिया था।
चीफ जस्टिस ने कहा था उस वक्त कि इस मामले को उस बेंच को भेजा जाए जिसमें मैं पार्टी में ना हूं। अब ये मामला जस्टिस एस ए बोबड़े के पास गया और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने इस मामले को भेज दिया। एक तीसरे मामले को भी मैं याद दिला दूं, इसी आर्टिकल में लिखा है कि गोगोई ने मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस वी के तिलरमानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई को जांच करने के लिए फैन दिया था। जांच दो फ्लैट खरीदने को लेकर हो रहा था। कमाल की बात यह है कि इस पर आईबी की 5 पन्नों की रिपोर्ट थी। ईमानदार छवि की मानी जाने वाली तिलरमानी पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे चुकी थी। उनका ये कदम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव के विरोध में माना जा रहा था। तिलरमानी के बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें मैं बता दूं कि एक जज के रूप में उन्होंने उस पीठ की अध्यक्षता की थी जिस गुजरात दंगों से संबंधित बिल्किस बानो मामले में सजा सुनाई गई थी। अब रंजन गोगोई से ये कौन पूछेगा कि कश्मीर के बच्चों की जगह आपकी प्राथमिकता राम मंदिर कब हो गई। जेल में सड़ रहे मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा की याचिका सुनवाई से आप किसके कहने पर हट गए। मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस वी के तिलमानी द्वारा 2 फ्लैट खरीदना इतना बड़ा भ्रष्टाचार कब हो गया कि उसकी जांच आप सीबीआई से करवाना चाहते थे। यही समय था रंजन गोगोई को नंगा करने का। ये मोदी का आदमी है, आप लोग नाहक दीपक मिश्रा को भला बुरा कहते रहे, इससे तो वो लाख गुना अच्छे थे। इस तरह के आर्टिकल लिखे गए थे दोस्तों। विक्रम सिंह चौहान ने यह आर्टिकल लिखा और आईना दिखाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की थी जब इन सभी मामलों को लेकर रंजन गोगोई पर सवाल खड़े किए। और आज रंजन गोगोई कह रहे हैं कि ये उनका फैसला नहीं बल्कि चीफ जस्टिस का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जजों का फैसला था, उनका अपना पर्सनल फैसला नहीं था। अब क्या था क्या नहीं था वो तो चीफ जस्टिस साहब, जी हाँ पूर्व चीफ जस्टिस साहब अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आरोप तो कई उन पर लगे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे आरोप लगे। और उन आरोपों को नकारने के लिए कभी भी गोगोई ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, कोई सबूत नहीं दिए। लेकिन तमाम लोग आज भी कहते हुए नजर आते हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर मानव अधिकार से जुड़े लोग हो, कार्यकर्ता हो, ये सभी कहते हैं कि मोदी जी के बहुत खासम खास थे और उनके ही कहने पर ये सारे फैसले लिए गए जिसके बाद उन्हें गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा का